हेलो गाइस, सो वेलकम टू द SD1 सीरीज। SD1 लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कुछ इसके एडवांटेज में देखे थे कि क्या इसके एडवांटेज है और कैसे आप विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर्स आप इनका कंट्रोल प्लेन एक जगह कैसे लेके आओगे या फिर इसको सेंट्रलाइज कैसे करोगे अपने नेटवर्क को। ओके, तो इसी से आगे चलते हैं। और हमने डिस्कस किया था कि भाई मल्टीपल टाइप्स ऑफ SDN सॉल्यूशन देखे थे। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। तो एक मिनट। हाँ, तो इसमें हमने देखा था कि SDAccess था, ठीक है, आपका LAN डिवाइस को सेंट्रलाइज करने के लिए। ACI हमारा कॉन्सेप्ट यूज होता था। ACI में आपके कंट्रोलर कौन थे? एपिक्स, वो आपका डेटा सेंटर में जो होता है। और SD WAN में ही आपका SD WAN, ये हो गया एक्सेस, ये हो गया ACI और ये हो गया WAN। ये किसके अंदर आते थे? SDN के अंदर, करेक्ट। ये अब मैंने बताया था आपको। और SD WAN में आपका क्या था भाई? WAN डिवाइसेस को सेंट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रेडिशनल वैन एज डिवाइसेस कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम इस कंट्रोलर पर आते हैं। देखो, सपोज करते हैं ये आपका क्या एक राउटर है। ये क्या था? राउटर। ओके, अभी हम ट्रेडिशनल वे की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, राउटर आपको सबको पता है, डिवाइस में इसके दो प्लेन होंगे, एक कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन, ठीक है। कंट्रोल प्लेन है, डेटा प्लेन। कंट्रोल प्लेन मतलब जितना भी राउटिंग का अपडेट्स वगैरह का हम सारा कंट्रोल प्लेन की ऐसे होता है, और जो भी ट्रैफिक फ्लो होगा वो डेटा प्लेन, ठीक है। अच्छा, जो कंट्रोल प्लेन है, डेटा प्लेन है, ये भी मैं इसको ऐसे कर दो इसको, ठीक है। ये CPU, ये कंट्रोल प्लेन हो गया और नीचे क्या हो गया? डेटा प्लेन। ओके, और कुछ नहीं पर पोर्ट्स भी होंगे। एक काम करता हूँ, इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर दूँ। ये लीजिए, ये CPU हो गया, ये डेटा प्लेन हो गया, और डेटा प्लेन में ही आपके पोर्ट्स होते हैं। जितने पोर्ट्स होंगे वो डेटा प्लेन में ही, ठीक है। और ये डेटा प्लेन से DP भी आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सर, ये अपना कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन भी आपस में कनेक्टेड होते हैं। CP एंड DP भी आपस में कनेक्टेड, भाई कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन अलग अलग थोड़ी होंगे, ठीक है, कनेक्टेड होंगे किससे? स्विच फैब्रिक बोलते हैं, स्विच फैब्रिक कार्ड्स होते हैं हमारे, ठीक है, स्विच फैब्रिक से कनेक्टेड होते हैं। और यहाँ पर कुछ आप यहाँ पर कुछ कार्ड भी होते हैं, लाइन कार्ड बोलते हैं उनको, ठीक है। तो देखो, इसमें डेटा प्लेन में कोई ट्रैफिक आएगा, सपोज करते हैं, अभी बात करते हैं DP एंड CP की बात करना, ठीक है। इस पर कोई ट्रैफिक आएगा, देखो ट्रैफिक दो टाइप के से पैकेट आ सकते हैं। या तो आपका आएगा राउटिंग पैकेट, या आपका आएगा राउटेड, ठीक है। राउटिंग का मतलब क्या भाई? आपके राउटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, राउटिंग कोई राउट्स लेके आ रहा, कोई एडवर्टाइजमेंट हो रही नेटवर्क की, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ आती है? आपकी राउटिंग पैकेट के अंदर, ठीक है। और रूटेड का मतलब क्या है? कोई नॉर्मल इंटरनेट का ट्रैफिक हो, कोई अपना ट्रैफिक हो जनरल, ठीक है, राउटिंग के अपडेट्स के अलावा, भाई कोई गूगल पिंग करना चाह रहा हो, कोई फेसबुक का डेटा जा रहा है, किसी का भी कोई डेटा जा रहा है, ठीक है, वो हो गया हमारा राउटेड वाला, ठीक है। अब सपोज करते कोई भी राउटिंग राउटिंग वाला ही जा रहा है, ठीक है, डेटा प्लेन के पास अभी राउटिंग अपडेट आ रही, कोई नया नेबर आ गया, नेबर की इन्फॉर्मेशन आ गई, कोई नेबर डाउन हो गया, अप हो गया, नया नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट हो गया, ठीक है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आ सकती है। तो डेटा प्लेन के पास आया, डेटा प्लेन क्या करेगा? उसको हैंड ओवर कर देगा। किसको हैंड ओवर कर देगा?
डेटा प्लेन किसको हैंड ओवर करेगा भाई? सीपी को भाई, कंट्रोल प्लेन को तो देगा, कंट्रोल प्लेन का तो काम ही सारा राउटिंग का काम संभालना, ठीक है? तो किसकी हेल्प से देगा? स्विच फैब्रिक की हेल्प से दे देगा, ठीक है भाई? आपस में कनेक्टेड तो है स्विच फैब्रिक से, ठीक है? तो स्विच फैब्रिक कार्ड से कनेक्टेड है ना, ठीक है? तो इनको दे देगा, हैंड ओवर कर देगा सीपी को, और सीपी फिर बाद में उसको अपना राउटिंग अपडेट लगाएगा, जो भी रिप टेबल बनाएगा, ठीक है? और रिप के बाद उसको एक कॉपी उसकी डेटा प्लेन में भी भेज देगा, ठीक है? एक कॉपी कहाँ चली जाएगी भाई? डेटा प्लेन में चल जाएगी ना, फिब बोलते हैं हम जिसको, ठीक है? ये रिप फिब का कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो गई, और होना भी चाहिए। तो उसने राउटिंग अपडेट बना ली और डेटा प्लेन को भी दे दी, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है, बाई स्विच फैब्रिक की। अब ये तो हो गया भाई आपका राउटिंग। अब के साथ कोई रूटेड पैकेट आ गया, राउटेड वाला, ठीक है? राउटेड वाला आ गया कि भाई इसको कहीं जाना है, डीपी के पास गया, और इसने क्या देखा? अपनी जो फिब टेबल थी, राउटिंग का तो है नहीं, कंट्रोल प्लेन को देगा ही क्यों, ठीक है? अपनी जो फिब टेबल थी उसमें देखा, उसने देखा एग्जिट इंटरफेस का, एग्जिट इंटरफेस से बोल के ये वाला कोई इंटरफेस है, और उसने एग्जिट कर दिया यहाँ से। तो ये होगा आपका राउटेड वाला, ठीक है? इसमें क्या होगा? आपका सीपीयू यूज ही नहीं हुआ, ठीक है? कंट्रोल प्लेन यूज नहीं हुआ ना, कंट्रोल प्लेन यूज नहीं हुआ था, सीपीयू भी यूज नहीं हुआ। तो ये तो आपका राउटेड वाला पैकेट अगर आता है तो कंट्रोल प्लेन यहाँ पे हम तभी यूज हो रहा है जब आपका राउटिंग पैकेट की इंफॉर्मेशन आ रही है। कंट्रोल प्लेन आपका तभी पिक्चर में आ रहा है जब उसको रिप बनानी है, ठीक है? या फिर कुछ और काम होना है, राउटिंग का कोई भी राउटिंग मैसेज आ रहा है ना, राउटिंग का पैकेट आ रहा है, तो उसको उस कंट्रोल प्लेन यूज में आ रहा है, अदरवाइज कंट्रोल प्लेन यूज में भी नहीं है। ओके, अच्छा एक और चीज हो सकती है, मैनेजमेंट प्लेन, ठीक है? एक प्लेन और है मैनेजमेंट प्लेन, उसका भी थोड़ा बहुत बताता हूँ मैं आपको, यहाँ साइड में बता देता हूँ। सपोज करते हैं राउटर है और ये पीसी है, यहाँ से इसने लॉगिन कर रखा है इसको। अब रिमोट लॉगिन कर रखा है या फिर कंसोल से भी लॉगिन कर सकता है, ठीक है? कंसोल से भी या फिर रिमोट लॉगिन टेलनेट से सर्च कर रखा है। अच्छा, ये जो ये राउटर, राउटर को कॉन्फ़िगरेशन करना है अभी, फ्रेश राउटर है, ठीक है? फिर तो आप कंसोल ही लगाओगे, ठीक है? अब राउटर में कुछ आईपी कॉन्फ़िगरेशन करोगे, लूप बैक बनाओगे, प्रोटोकॉल चलाओगे, तो ये पीसी से इंफॉर्मेशन जा रही है कंसोल से, ठीक है? तो भाई ये किस टाइप का ट्रैफिक जा रहा है? पे मैनेजमेंट ट्रैफिक जा रहा है, मैनेजमेंट ट्रैफिक बोलते हैं हम इसको, ठीक है भाई? पीसी आपको कॉन्फ़िगर करना चाह रहा है राउटर को, ठीक है? तो ये क्या मैनेजमेंट ट्रैफिक है, राउटर को मैनेज करेंगे भाई। कौन से प्लेन के अंदर आता है? मैनेजमेंट प्लेन के अंदर, ठीक है? मैनेजमेंट प्लेन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करने वाला पार्ट राउटर को। तो अभी तक आपने देखा कि अभी तक आपने देखा कि ये राउटर था, ये कंट्रोल प्लेन था, ये डेटा प्लेन था, बीच में स्विच फैब्रिक था, ठीक है? इसके इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा था, ठीक है? कोई रिप वगैरह बनानी है, कोई राउटिंग पैकेट जा रहा है, राउटिंग अपडेट आ रही है, कंट्रोल प्लेन को डीपी ने कंट्रोल प्लेन को दिया स्विच फैब्रिक के थ्रू, कंट्रोल प्लेन ने कॉपी डीपी को दे दी। ओके, तो भाई अभी अब की बार क्या हुआ है, SD-WAN में आपने देखा कि आपने जो कंट्रोल प्लेन था वो तो अलग कर दिया ना, अभी हमारे पास क्या बचा? डीपी बचा, सिर्फ डीपी तो बचा है एज डिवाइस पे, ये मेरे एज डिवाइस है, डीपी है, डीपी 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 डेटा प्लेन है, और कंट्रोल प्लेन आपने अलग कर दिया, ऊपर कर दिया, कंट्रोलर को दे दिया, ठीक है? अब कंट्रोलर कुछ राउटिंग अपडेट बनाएगा ना, तो इनको कैसे देगा? ट्रेडिशनल वे में किसकी हेल्प से? स्विच फैब्रिक की हेल्प से देता था, तो यहाँ पे किसकी हेल्प से देगा? यहाँ पे देगा आपका, ठीक है? इधर कैसे देगा? हाउ दे कनेक्टेड, दे गेट कनेक्टेड बाय इंटरनेट MPLS, इसके थ्रू कनेक्टिविटी होगी दोस्त, ठीक है? कंट्रोल प्लेन आपको ऊपर कंट्रोलर के पास, और ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड तो होंगे नहीं चाहिए ना, सीपी और डीपी, इनके थ्रू आपस की इंफॉर्मेशन जाएगी भाई। यहाँ पे रिप टेबल बनेगी, ठीक है? उसकी फिब कॉपी कहाँ जाएगी? इन पे जाएगी ना, इन सब पे जाएगी, इन्फॉर्मेशन के पास जाना जरूरी है ना, प्रीफिक्स के भाई कहाँ से जाएगा, कौन सा एग्जिट इंटरफेस होगा, फिब टेबल में जो फिब टेबल बनेंगी, तो डेटा प्लेन के पास जाना जरूरी है। जाएगी कैसे? कैसे जाएगी? यहाँ तो अलग अलग है, वो जाएगी आपके इस ट्रांसपोर्ट की हेल्प से, इंटरनेट या फिर MPLS की, ओके? या फिर 4G LTE भी हो सकती है, 4G LTE। ये आपका एक तरीके से काम कर रहा है स्विच फैब्रिक की तरह, ठीक है? ऊपर सीपी हो गया, नीचे डीपी हो गया, और ये हो गया स्विच फैब्रिक, लाइक अ स्विच फैब्रिक, ठीक है? तो SD-WAN में क्या है, सीपी और डीपी को, कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन को अलग कर दिया है,
और जैसे ट्रेडिशनल वे में तो स्विच फैब्रिक के थ्रू कनेक्ट था, यहाँ पे क्या है ये ट्रांसपोर्ट के थ्रू कनेक्टेड, ट्रांसपोर्ट यहाँ पे इंटरनेट एमपीएल से 4G LTE हो सकता है आपका, ठीक है। तो इनमें आपके जो कंट्रोलर होते हैं इस जीवन में, कौन कौन से कंट्रोलर होते हैं, एक तो आपका होता है वी मैनेज, सेकंड आपका होता है वी स्मार्ट, वी बॉन्ड, ठीक है। ये तो आपके कंट्रोलर होते हैं। और जो एज डिवाइसेस होते हैं आप इस पे, ट्रेडिशनल एज डिवाइस नहीं लगेंगे, एज डिवाइस अलग है, उनको बोलते हैं वी एच या फिर सी एच, ठीक है। वी स्टैंड फॉर विप्टेला, वी का मतलब क्या है, विप्टेला, ओके। वी मैनेज की बात करते हैं सबसे पहले, देखो तो वी मैनेज कर लेता है। कंट्रोलर ये भी, ठीक है, कंट्रोलर है। अच्छा अभी अभी हमने देखा ये क्या है, मैनेजमेंट फ्रेम, ये हमारा क्या है भाई, मैनेजमेंट फ्रेम। जो पीसी था अभी हमने देखा था, एक एग्जांपल लिया था, पीसी राउटर को कॉन्फ़िगर कर रहा था, ठीक है, कर रहा था, तो उसे कौन सा ट्रैफिक जा रहा था, मैनेजमेंट ट्रैफिक जा रहा था, ठीक है। अर्लियर मतलब जैसे ट्रेडिशनल नेटवर्क में हम अपना डिवाइस कॉन्फ़िगर करना चाह रहे थे, तो उसको लोग कैसे, अब कैसे करते थे भाई, उसका कंसोल ले लेते थे या फिर टेलनेट SSH करते थे, ठीक है, और फिर बाद में उसे कॉन्फ़िगर करते थे। तो जो हमारा ट्रैफिक जाता था ना वो हम बोलते थे उसको मैनेजमेंट ट्रैफिक, ठीक है, क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट ट्रैफिक। और जो प्लेन यूज हो रहा था वो बोलता है MP, मैनेजमेंट प्लेन, ठीक है। तो जितना भी हमारा मैनेजमेंट का काम रहेगा ना, जितना भी हमारा मैनेजमेंट का काम रहेगा वो यहाँ कैसे होगा, वो होगा यहाँ वी मैनेज के थ्रू, वी मैनेज के थ्रू, ठीक है। हाँ मतलब ये आपका हो गया वी मैनेज, ठीक है। और यहाँ पे आपकी कोई भी एज डिवाइस मान लो, साइट वन, साइट टू, साइट थ्री, वी मैनेज आपका कनेक्टेड होगा, ठीक है। बीच में ट्रांसपोर्ट होगा, वो बाद में देखेंगे कैसे कनेक्टेड होगा, ओके। और आपको यहाँ से बैठे बैठे साइट वन, साइट टू, साइट थ्री पे कोई प्रोविजन करना है तो वी मैनेज के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। आप कोई प्रोविजनिंग कर सकते हो सेंट्रल, ठीक है, प्रोविजनिंग होगी, कोई पॉलिसी बनानी है आपको, तो वी मैनेज के थ्रू इसको आपका कर सकोगे, प्रोविजन कर सकते हो साइट वन, साइट टू, साइट थ्री को। कोई टेम्पलेट बनाना है, ठीक है, आप एक टेम्पलेट बनाओगे VM पर, और VM इसको पुश कर सकते हैं इजिली, आप साइट वन, साइट टू, साइट थ्री पे, ठीक है भाई। कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है, मल्टीपल साइट पे, तो टेम्पलेट बनाओगे और इस टेम्पलेट की हेल्प से काम बनाओगे वी मैनेज पे, और वो पुश हो जाएगा इस मल्टीपल साइट से, ठीक है। तो मैं नोट करा देता हूँ यहाँ पे, सेंट्रलाइज्ड प्रोविजनिंग हो जाएगी आपकी, और पॉलिसी भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। टेम्पलेट्स के शॉर्टकट में रख दिया है, और टी शूट करना भी है, अभी से आप बैठे बैठे टी शूट भी कर सकते हो, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड टी शूट स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, टी शूट एंड मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग भी हो जाएगी, ओके। यही सब बैठे बैठे मॉनिटरिंग भी कर सकते हो और सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी कर सकते हो। सॉफ्टवेयर अपग्रेड में मतलब कि सपोज आपको कोई किसी एज डिवाइस पे ओल्डर वर्जन है, ठीक है, तो वी मैनेज से ही आप इन सबको अपग्रेड कर दोगे, ठीक है, वी मैनेज से ही आप इन सबको अपग्रेड कर दोगे, ठीक है। और ये पाइथन बेस भी सपोर्ट करता है, तो कोई स्क्रिप्टिंग वगैरह आपको लगानी है तो आप इजीली वी मैनेज पे लगा सकते हो, ठीक है। और ये इसके दो आपको दो तरीके से आप इसको सपोर्ट मिल सकता है आपको, इसमें GUI और CLI बेस, ठीक है, इन दोनों तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। और एक जो वी मैनेज है टिपिकल,
इट कैन हैंडल अप टू 200 एज डिवाइसेस, 200 एज डिवाइसेस को ये कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और जनरली हम एक सिंगल क्लस्टर बताऊंगा भाई, एक सिंगल क्लस्टर में आप ये 6 VM को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। इट मीन्स 1200 डिवाइस हो गए। तो ये तो आपका वी मैनेज का टास्क है। अब बात करते हैं वी स्मार्ट। वी स्मार्ट भी आपका कंट्रोलर है, ठीक है। ये क्या है भाई, आपका कंट्रोल प्लेन आ गया। वहां क्या था, डेटा प्लेट वी मैनेज पे। इधर क्या आ गया आपका, कंट्रोल प्लेन हो गया। अब ठीक है, कंट्रोल प्लेन आ जाता है आपका वी स्मार्ट पर। तो ये क्या करता है, आपका जितना भी कंट्रोल प्लेन का टास्क है ना, मतलब राउटिंग इंफॉर्मेशन वाला, ये इसके पास आ जाएगा। किसके पास, वी स्मार्ट के पास, ठीक। और ये क्या करता है, इट रिफ्लेक्ट करता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है आपका कंट्रोल प्लेन इंफॉर्मेशन किसके पास। देखो वी स्मार्ट की हेल्प से ही, देखो वी स्मार्ट क्या करेगा, कंट्रोल प्लेन बनाएगा और किसको दे देगा, डेटा प्लेन को दे देगा, यानी कि एज डिवाइस को देगा देगा। वो कौन देगा, वी स्मार्ट। तो इट डिस्ट्रीब्यूट या फिर रिफ्लेक्ट, ठीक है, योर कंट्रोल प्लेन इंफॉर्मेशन, कंट्रोल प्लेन इंफॉर्मेशन का राउट टू योर वेल, टू वैन एच डिवाइस से, ठीक है, यूजिंग OMP। OMP प्रोटोकॉल होता है, ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये सब कुछ करते हैं यहाँ पे वी स्मार्ट है, ठीक है। साइट 1, साइट 2, साइट 3, ये कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। यहाँ पे कोई राउटिंग अपडेट ले लिया, डिसीजन ले लिया, राउटिंग इन्फॉर्मेशन बेस्ड राउटिंग टेबल बना ली इसने, और राउटिंग टेबल डेटा प्लेन के पास जाएगी ना फिफ्ट टेबल में, तो ये कौन देगा, वी स्मार्ट देगा, इनको रिफ्लेक्ट कर देगा सबके पास, ठीक है। और किसके थ्रू करेगा, OMP प्रोटोकॉल चलता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे भाई। OMP प्रोटोकॉल कैसे चलता है, क्या होता है ये ओवरली मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, वो अभी OMP के थ्रू चलता है, ठीक है। OMP के थ्रू कनेक्टिविटी होती है, OMP प्रोटोकॉल यूज होता है वी स्मार्ट और ये अपना एज डिवाइस के बीच। अच्छा देखो, अभी मैंने आपको बताया जो पॉलिसी बनेगी वो कहाँ बनेगी, वी मैनेज पर, ठीक है भाई। आपको कोई टेम्पलेट बनाना पॉलिसी वाला, वी मैनेज पर बनेंगी, लेकिन और पुश होंगी इन मल्टीपल साइट पर, लेकिन वो पुश किस की हेल्प से होंगी, वो पुश होंगी इसी की हेल्प से, वी स्मार्ट की हेल्प से, ठीक है। मतलब जो ऑल द पॉलिसी, जो डेटा ट्रैफिक की है, वो कहाँ बनेंगी, वी मैनेज पर बनेंगी। वी मैनेज पर आप पॉलिसी बनाओगे, जो टेम्पलेट होंगे, लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूट जो करोगे ना इन एज डिवाइस को, यूजिंग वी स्मार्ट, वी स्मार्ट को यूज करके वो आपकी पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ ये कि ऑल द पॉलिसीज फॉर डेटा ट्रैफिक आर डिफाइंड सेंट्रली और वी मैनेज पर ही आप बनाओगे, टेम्पलेट डिफाइन करोगे एंड डिस्ट्रीब्यूट टू वैन एज डिवाइसेस यूजिंग आपका पीसी, ठीक है। जो भी आपकी डेटा पॉलिसी लगेगी वी मैनेज पर ही बनेंगे, लेकिन वी स्मार्ट के थ्रू आपकी पॉलिसी पुश होंगी। अच्छा, वी स्मार्ट और वी मैनेज, ये आपकी इनकी इमेजेस अवेलेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये क्या है, वर्चुअल अप्लाइंस है, नॉट फिजिकल। ये दोनों क्या है, आपके वर्चुअल अप्लाइंस है, नॉट फिजिकल, इनकी इमेजेस है, ठीक है। IOWA और IQ गाओ टू फॉर्मेट में अवेलेबल होती है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी आने वाले टाइम में वो, ठीक है। अब बात करते हैं वी बॉन्ड की। तो ये वी बॉन्ड का क्या काम है, ऑथेंटिकेट करना। किसको ऑथेंटिकेट करेगा, ये करेगा आपका वी एस डिवाइसेस को, या फिर सी एस डिवाइसेस को करेगा, ठीक है। कैसे करेगा, यूजिंग सर्टिफिकेट्स, कुछ सर्टिफिकेट होते हैं, बाद में बात करेंगे, सर्टिफिकेट सी एंड वाइट लिस्ट, सर्टिफिकेट के बारे में देखेंगे ये सर्टिफिकेट कैसे करना, ठीक है। ये ऑथेंटिकेट करेगा अभी आपका एस डिवाइस, आपका वैलिडेट, कौन सा वैलिड है, ये आपका वैलिड है या नहीं है एस डिवाइस,
ठीक है भाई, मुझे कंट्रोल SD WAN में लेकर आना ना कोई भी आपका एज डिवाइस, तो वो वैलिड है नहीं है, वैलिडिटी उसकी है नहीं है, तो वो कौन ऑथेंटिकेट ऑथेंटिकेट ऑथेंटिकेशन कौन चेक करेगा? वो चेक करेगा आपका वी बॉन्ड। और वी बॉन्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और भी है कि भाई आपका वी स्मार्ट और वी मैनेजिंग इंफॉर्मेशन एज डिवाइस को बताना, ठीक है? टू डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट ऑफ वी स्मार्ट एंड वी मैनेज टू एज डिवाइस। भाई एज डिवाइस को कैसे पता लगेगा? ये एज डिवाइस ही तो है, उनको कैसे पता लगेगा भाई मेरा वी स्मार्ट ये है या वी स्मार्ट कोई और है? तो वो कौन बताएगा? वो बताएगा वी बॉन्ड। ठीक है, कहने का मतलब है कोई भी साइट अप आती है तो सबसे पहले एज डिवाइस अप आता है, सबसे पहले किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा? वी बॉन्ड। और वी बॉन्ड उसको क्या बताएगा? भाई वी स्मार्ट का है आपका वी वी मैनेज को। ठीक है, सबसे पहले कनेक्टिविटी किसके साथ होती है? वी बॉन्ड के साथ। तो वी बॉन्ड आपका पब्लिकली आपका रीचेबल होना चाहिए, ठीक है? अदरवाइज ये इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी आपकी वी स्मार्ट वी मैनेज की। ठीक है, जो वी बॉन्ड क्या है उसकी रीचेबिलिटी होनी ही चाहिए किसके, साइट वन साइट टू जो भी आपके एज डिवाइसेस हैं। ठीक है, और पब्लिकली रीचेबल तब होगा जब इस पे पब्लिक आईपी होगा, ठीक है, इंटरनेट से। तो या फिर अगर इसके ऊपर प्राइवेट आईपी है तो इसको स्टैटिक नेट नेट स्टैटिक नेट के पीछे होगा ये। ठीक है, स्टैटिक नेट कराना पड़ेगा 1 to 1। तो ये भी आपका फिजिकल डिवाइस नहीं है, वर्चुअल अप्लायंसेस की भी आपकी इमेज होती है, वो आने वाले टाइम में देखेंगे। ठीक है, जो कंट्रोलर होते हैं वो कहाँ डिप्लॉय करोगे? वो क्लाउड क्लाउड में भी इनको होस्ट कर सकते हो या फिर अपने ऑन प्रेमिसेस भी कर सकते हो। ठीक है, क्लाउड होस्टिंग से मेरा क्या मतलब है कि भाई आप AWS अभी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, और सिस्को भी अपना अपना ये सर्विस है क्लाउड की। ठीक है, ऑन प्रीमिसेस में आप सर्वर लेके आओगे वी स्पेयर या फिर KVM, तो सर्वर लेके आओगे, और सपोज ये सर्वर है ये ESXi सर्वर होता है, तो इसी में आपके वी बॉन्ड वी मैनेज और वी स्मार्ट तीनों इसी इसी में आ जाएंगे एक सर्वर। ठीक है, फिर आपके एक ही डिवाइस हो गए। और जो आपके एज डिवाइसेस हैं ये साइट वन साइट टू साइट थ्री, ये आपका क्या है? VH या फिर इसको बोलते हैं CH। वी स्टैंड फॉर विप्टेला, सी स्टैंड फॉर सिस्को। ठीक है, ये विप्टेला के डिवाइस रखते हैं, सिस्को के डिवाइसेस रखते हैं। तो जो विप्टेला है उसमें विप्टेला की इमेज डलेगी, सिस्को का है उसमें सिस्को की इमेज डलेगी जो SD-WAN को सपोर्ट करती हो। ठीक है, आपके CH और VH के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल है। CH के कई ISR सीरीज के हैं, 1100, 4000, 1000, NC500 सीरीज है। ये क्या है आपके फिजिकल राउटर्स हैं, ये सपोर्ट करते हैं आपके SD-WAN इमेज। ठीक है, एक वर्चुअल डिवाइसेस भी 1000 V, ये क्या वर्चुअल है, वर्चुअल डिवाइसेस। तो ये आपके कुछ प्लेटफॉर्म है, आई थिंक अब तो काफी एडिशन हो गया जो SD-WAN को सपोर्ट करते हैं। विप्टेला में भी काफी है, ठीक है, लाइक अभी जो मुझे याद है वन विप्टेला में VH 1000, 100, 2000, 5000 के मॉडल है। ठीक है, ये कुछ आपके VCH डिवाइसेस हैं, सॉरी VH डिवाइसेस हैं, फिजिकली अवेलेबल है। एक इनका क्लाउड भी होता है, ठीक है, VH क्लाउड, वो आपका क्लाउड बेस्ड सर्विस है आपके एज डिवाइस की। तो अभी हम आने वाले टाइम में देखेंगे इन कंट्रोलर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, कि भाई आपके जो मैंने बताया वी मैनेज सॉरी वी स्मार्ट और आपका साइट के बीच में ये अंडल OMP कैसे वर्क करता है, और एक चीज पढ़ेंगे अभी अंडरले एंड ओवरले इन SD-WAN, बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम कंट्रोलर पे भी आएंगे धीरे धीरे करके, अभी एक जनरल इंट्रोडक्शन था ये। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि भाई जनरल इंट्रोडक्शन, लिटिल बिट इंट्रोडक्शन, इसके बाद हम इनको डेप्थ में देखेंगे, वी मैनेज को, वी स्मार्ट को, वी बॉन्ड को, और वी एज को कैसे आप डिप्लॉयमेंट करोगे, और प्रैक्टिकली
कैसे टनल्स बनेंगी, कैसे आप टेम्पलेट बनाओगे, कैसे पॉलिसीज बनाओगे, कैसे पॉलिसी पुश होंगे, ये सारी चीज़ देखेंगे हमारे वाले टाइम में। ओके जी, थैंक यू। कुछ डाउट हो तो मुझे बता देना।